हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त वेजिटा और आज हम वेजिटा की अल्ट्रा ईगो को भी सरपास करके ऐसी पांच ताकतवर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि सब वेजिटा फैंस के होश उड़ जाएंगे कि अगर गोकू की बजाय अकीरा टोरियामा सर ने वेजिटा को गोद लिया होता तो वेजिटा कितना ज्यादा ताकतवर सैयन बन सकता था। और इतना ही नहीं, आज गोकू और वेजिटा फैंस में बहुत तगड़ी जंग छिड़ जाएगी क्योंकि आज जो गोकू की तगड़ी फॉर्म्स को बर्बाद करते हुए सैयन प्रिंस वेजिटा की फॉर्म्स आग लगाने वाली है। और इन फॉर्म्स को मैंने अपने हिसाब से रैंक किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोग इनको किस हिसाब से रैंक करते, यानी कि नंबर वन कौन सी और नंबर टू कौन सी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फॉर्म नंबर वन से, जो की है ओमनी किंग वेजिटा या जेनो वेजिटा। तो पूरे इंटरनेट पर बस ओमनी किंग गोकू का ही बोलबाला है, लेकिन कभी सोचा है कि जब एक प्योर सैयन रॉयल ब्लड वाला सैयन एक ओमनी किंग की फॉर्म को हासिल करेगा तो क्या होगा, क्योंकि रॉयल का मतलब है शाही। तो जब एक शाही सैयन जब किंग बनेगा तो क्या होगा, या मैं बोलूं कि प्रिंस बनेगा क्योंकि वेजिटा एक प्रिंस है, तो ओमनी प्रिंस वेजिटा। और अभी बहुत से गोकू फैंस तो सही, लेकिन वेजिटा फैंस भी सोच रहे होंगे कि यार वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो हासिल ही नहीं कर पाया, तो ओमनी किंग कैसे बनेगा। तो वहीं रुक जाओ, एकदम रुको, जरा सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, क्योंकि ओमनी किंग का काम राज करना है और हकाई करना है, जो कि वेजिटा को आता है क्योंकि वेजिटा को अल्ट्रा ईगो आती है और हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा अल्ट्रा ईगो कर सकता है, जिसकी वजह से ओमनी प्रिंस वेजिटा फॉर्म बिल्कुल और बिल्कुल पॉसिबल फॉर्म है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि इस फॉर्म का नाम क्या होना चाहिए, ओमनी किंग वेजिटा या फिर ओमनी प्रिंस वेजिटा, क्योंकि वेजिटा एक प्रिंस है, तो मेरे हिसाब से तो ओमनी प्रिंस वेजिटा को ही मैं परफेक्ट इस फॉर्म का नाम देना चाहूंगा, क्योंकि दूसरी फॉर्म भी बड़ी कमाल की है जो है अल्ट्रा ईगो लेकिन सुपर सैयन 4। इस फॉर्म को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि जब वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होता है या गोकू सुपर सैयन 3, तो इनकी आईब्रोज गायब हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या कभी किसी ने सोचा है? मैं बताता हूँ, क्योंकि जब कोई सैयन किसी न्यू सैयन फॉर्म को हासिल करता है तो उसके हेयर्स में हमें चेंज देखने को मिलते हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, जैसे कि कलर चेंज होना, या फिर हेयर्स की लेंथ यानी कि बालों की लंबाई। तो जब एक सुपर सैयन 3 गोकू बनता है या वेजिटा अल्ट्रा ईगो बनता है, तो इनकी जो आईब्रोज हैं वो इतनी ज्यादा वहाँ के हेयर्स छोटे हो जाते हैं कि वो एक तरीके से गायब हो जाते हैं। जिस तरीके हेयर्स बड़े होते हैं तो उसी तरीके से हेयर्स छोटे भी हो सकते हैं। और ये फॉर्म एक सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल पाथ है, यानी एक असली सैयन की खुद की ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि किसी और की सिखाई हुई टेक्निक। लेकिन वेजिटा की अल्ट्रा ईगो के केस में एक सैयन जब हकाई, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है, उसका यूज करना सीखता है और वो अपनी असली सैयन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ को फॉलो करता है, तो अल्ट्रा ईगो में बदलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा ईगो सुपर सैयन 4 की, तो वेजिटा ऑलरेडी सुपर सैयन 4 तो है ही, और उसी के साथ अल्ट्रा ईगो स्टेट में भी आ चुका है। तो सोचो सुपर सैयन 4 अल्ट्रा ईगो कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, अगर एक आइडिया लें। लेकिन इस आइडिया से गोकू फैंस नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रा ईगो सुपर सैयन 4 वेजिटा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को धूल चटा देगा। लेकिन फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सैयन 4 भी है, तो गोकू फैंस चिल करो, तुम्हारा योद्धा टोरियामा सर का बच्चा है, उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जो वेजिटा से ऊपर होगा उसे वरदान है। और अगली फॉर्म बहुत ज्यादा घातक और खूंखार होने वाली है, क्योंकि अब सुपर सैयन 5 को भी सरपास करने वाले हैं, लेकिन वेजिटा के लिए, गोकू के लिए नहीं। क्योंकि याद करो, जब भी कोई न्यू फॉर्म आती है तो ज्यादातर गोकू की न्यू फॉर्म आ गई, गोकू ही उसको सबसे पहले हासिल करता है। और ऐसा ही सुपर सैयन 5 के केस में भी हुआ था, तो मैंने सोचा वेजिटा क्यों नहीं। तो पेश है सुपर सैयन 10 वेजिटा, या मैं बोलूं मॉन्स्टर सुपर सैयन 10 वेजिटा, एक असली सैयन ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी हकाई या एंजल टेक्निक के। और सही बताऊं तो ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब एक सैयन सुपर सैयन 10 में बदलता होगा तो उसकी आवाज और उसका फाइटिंग स्टाइल किस लेवल तक चले जाते होंगे, क्योंकि फिजिकली ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कोई सैयन अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल को लेवल 10 तक ले जाए, क्योंकि जब गोकू सुपर सैयन 3 जाता है तो उसकी फट लेती है बिल्कुल। और अब हम बात कर रहे हैं सुपर सैयन 10 की, लेकिन वो भी ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे पॉसिबल है, क्योंकि पता है गोकू और वेजिटा मेन सैयंस हैं। तो सुपर सैयन 5 ही इतनी खतरनाक लगती है फॉर्म, तो सोचो सुपर सैयन 10
मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई शब्द नहीं है इस सय्यन को एक्सप्लेन करने के लिए। इतना खतरनाक है ये सय्यन, और इसको कंपेयर करना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो के कंपैरिजन में, उस पर पहले मैं खुद अच्छे से रिसर्च कर लूं और आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये कंपैरिजन आप लोग देखना पसंद करोगे या नहीं, तो मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जब तक मुझे ही ठीक नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करूं, क्योंकि मैं फैन मेड भी तो किसी बेस पर ही बनाऊंगा, जब कुछ बेस ही नहीं है तो वो मैं आप तक कैसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर मैं लुक्स की बात करूं तो भाई मैं आंख बंद करके सुपर सैयन 10 के लुक्स की तरफ फुल मार्क्स, क्योंकि इसका मॉन्स्टर लुक ही बहुत खतरनाक है। मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो, इसके आगे मुझे कुछ नहीं लग रहा है, सुपर सैयन 10 रॉक्स। और लुक्स की बात आई है तो लास्ट के ये जो दो फॉर्म्स भी बड़े कमाल के हैं, इनके लुक्स तो ऑसम है ही, लेकिन बहुत से फैंस वेजिटा फैंस जानते भी होंगे ये फॉर्म्स थोड़ी कॉमन है जिनको मैंने कंसिडर करा है, तो हो सकता है कि आप इन फॉर्म्स के बारे में जो सोचते हो उस चीज से रिलेट कर सको। तो जो हमारी चौथे नंबर की फॉर्म है वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा मिक्स अल्ट्रा ईगो। मतलब वेजिटा अल्ट्रा ईगो स्टेट में है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इस फॉर्म के बारे में अखे वेजिटा फैंस जानते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा अल्ट्रा ईगो क्या क्या कर सकता है। जैसे कि फ्रीजा को हकाई करना सबसे पहले उसका यही काम होगा, और फिर उसके बाद एंजल गोकू को देख के गुस्सा करना कि वेजिटा एंजल कब बनेगा, क्योंकि ये चलता है ड्रैगन बॉल में। और इस फॉर्म में वेजिटा के पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं, तो वो बेरस की तरह सोएगा। तो हम उसको सोने देते हैं और आते हैं अपने वेजिटा की लास्ट टॉप 5 फॉर्म्स, जो है उसकी पांचवी फॉर्म, वो है सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर। आप लोग देख रहे हो सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन 10, मतलब ये फॉर्म्स बहुत ज्यादा कमाल की लगती हैं। असली सैयन फैन से पूछना आप लोग। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो तो अभी के कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत पुराने और तगड़े कॉन्सेप्ट है भाई। और जब मैंने इस फॉर्म को पहली बार देखा था इतना मजा आया था, क्योंकि पहली बात गोकू और वेजिटा दोनों इस फॉर्म को एक साथ हासिल करते हैं सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में, और हाँ मैं ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज है कि सुपर सैयन 4 होने के बावजूद इस फॉर्म को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टाइप की ऑरा दी गई है। हाँ, ऑरा बड़ी मस्त है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो की। और फिर उसके बाद इनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो लिमिट ब्रेकर हो जाता है, मतलब एक सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर गॉड की टाइप की ऑरा के साथ, जो कि एक फुल पावर पैक सैयन फॉर्म है। और इस फॉर्म को देख के एकदम मजा आ जाता है। तो पहले कमेंट में मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो बस यही थी वेजिटा की 5 बेस्ट फॉर्म जो मुझे लगती है। बाकी पता नहीं कितने वेजिटा फैंस हैं जो उस वीडियो को देखेंगे, और आप लोगों को कौन सी फॉर्म कैसे लगती है मैंने आपको बता दिया है। रैंक आप लोग अगर बताना चाहो अपने हिसाब से तो बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वेजिटा की स्पेशल वीडियो है, तो इसलिए इस वीडियो के एंड में बोलेंगे बिग बैंग अटैक।